खबरों की नई पहचान। धनबाद के बलियापुर प्रखंड स्थित डाक बंगाल में सामाजिक संगठन युवा क्रांति का गठन किया गया। धनबाद के 6 विधानसभा क्षेत्र के अलावा बंगाल में भी युवा क्रांति सदस्य उपस्थित हुए। युवा क्रांति गठन कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रमेश सिंह के पुत्र एवं क्रांतिकारी मजदूर संघ बोकारो के सचिव संग्राम सिंह ने शिरकत किया। कार्यक्रम के दौरान युवा क्रांति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि को पगड़ी पहनाकर एवं तलवार भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ एवं फीता काट कर की गयी। संगठन के द्वारा आज बंगला में ये कार्यक्रम रखा गया है और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य के नाम पे जो धोखा हो रहा है उससे निजात दिलाने के लिए युवा क्रांति का गठन किया गया है। ये तो हम सबको मालूम है कि यदि क्रांति है तो युवा रहना पड़ेगा, क्रांति युवा के बिना नहीं होता है। और आज ये पावन शुरुआत यहाँ से की जा रही है। मैं आशा करता हूँ और चौधरी जी और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये शुभ काम का शुरुआत आज यहाँ किया है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ अभी जुटान हुए हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं? 6 विधानसभा से यहाँ लोग आए हैं और सब मिलके यहाँ जो जोत जगेगी उसको अपने अपने विधानसभा में लेंगे। आगे अग्रिम योजनाएं क्या कुछ है युवा शक्ति? आज युवा शक्ति यहाँ बैठ रही है। स्थानीय विधायक ने पूरे विधानसभा की युवा को बेरोजगार की ओर धकेल दिया। उनसे लड़ाई था 969 लड़का का जो आवेदन दिया था हाल कंपनी में, तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को, वे हाल कंपनी में दिया है तो हाल कंपनी में जब दिया है तो उनको श्रम विभाग यहाँ क्यों लगाने का जरूरत है? श्रम विभाग में आप लोग जानते हैं कई ऐसे कंपनी आते हैं 20 से 25, किसी को 7,000 मिलता है, किसी को 8,000 मिलता है, किसी को 6,000 में खटवाता है बाहर में ले जाके। आज जो 11 तारीख को बलियापुर में एक श्रम विभाग जो हल कंपनी अपने चालाकी से और यहाँ की स्थानीय विधायक ने ना समझ के हजारों हजारों बेरोजगार को बेरोजगार में धकेल दिया, क्योंकि एक कंपनी जानती है कि अगर हमको 900 लड़का को यहाँ रखना पड़ेगा तो 462 रुपया हाजिरी जो राज्य केंद्र सरकार से पारित है देना पड़ेगा, और श्रम विभाग से जो लगाएंगे किसी को 7,000 में कटवाएंगे, किसी को 8,000 में। ये कहीं ना कहीं डीसी हो, उपायुक्त महोदय हो, हल कंपनी के जीएम हो, एचआर हो और स्थानीय विधायक हो और यहाँ के माननीय संसद महोदय चुपचाप बैठा हुआ है गाधा का साड़ से, जो यहाँ का युवा मजबूर है। आप लोग ने सुने होंगे आज से 1 साल पहले सिंदरी बस्ती के एक युवा, एक मल्लिक लड़का जो बम्बई में 10 फ्लैट से गिर के मौत हो गया। आज बताइए यहाँ बगल में सिंदरी में रोजगार का दरवाज़ा खुला है और यहाँ के लड़का बाहर जा रहे हैं। मैं प्रतिज्ञा लिया हूँ इस बलियापुर की धरती से कि आप कोई बेटा यहाँ बाहर से आके यहाँ के बेरोजगार युवा को बलगला नहीं सकता है। खुद मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ और खुद इस यहाँ का बेरोजगार का नेतृत्व बनूंगा, हर युवा के दुख सुख में साथ दूंगा और हर गरीब के साथ रहूँगा और युवा क्रांति के सारा मेरा संगठन एक साथ रहेंगे, मरने मिटने के साथ रहेंगे। आज जो हमारे मंच में संग्राम सिंह जी पधार दिए हैं, हमारा गर्जन रूप के रूप में जो आए हैं, हम उसको आभार करते हैं और आज उत्साह बढ़ाए हम पूरे धनबाद में मेरा संगठन को फैलाने का काम करेंगे। 2 महीना के अंदर मेरा संगठन 1,000 कार्यकर्ता करने का काम करेंगे और आम सभा के माध्यम से मैं पूरे जिला को चेतावनी कर देंगे कि मेरा युवा क्रांति का क्या ताकत है। 2 महीना के बाद हम दिखा देंगे। इतने करके अपना वक्त समाप्त। हल कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ जो जमींदाता है, जमीन अपनी दान की है, उसके लिए किस प्रकार से लड़ाई लड़ेगी, चूँकि विस्थापन नीति भी मायने रखती है। आज सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों को बरगला रहा है। यहाँ के विस्थापित की जमीन जिस आधार पर ली गई थी, ये FCI अपना FCI खाद रुपया बनाने के नाम पर ली गई, ये सरकारी को दिया गया था, ये नहीं कि प्राइवेट को हल को दिया गया। आज यहाँ के विस्थापित दर दर भटक रहे हैं। हम हल कंपनी के जो GM है, मैं पूछना चाहता हूँ आप अपना रजिस्टर जांच करें, आपके मजदूर कितना गेट पास बना है ये पता हो चल जाएगा कि दूध का दूध पानी। लगभग 2,000 मजदूर काम कर रहा है, अभी तक यहाँ स्थानीय मजदूर 500 भी नहीं है। मैं 15 दिन के अंदर माननीय संग्राम सिंह
जी के नेतृत्व में हाल के जीएम से इनके माध्यम से जाएंगे और पूछेंगे कि आपने जो अभी तक जो कंपनी चालू किए हैं, आप कितने मजदूर आस्थानी को रखे हैं।